दो साल बाद तिवारी जी ने तोड़ी चुपी। अंगूरी भाभी को लेकर दिया ये शॉकिंग बयान। बिग बॉस 11 की विनर रही शिल्पा शिंदे टीवी शो भाभीजी घर पर हैं को लेकर काफी विवादों में रही। इसी शो में शिल्पा के पति का किरदार प्ले कर रहे एक्टर रोहित गौड़ मनमोहन तिवारी ने करीब दो साल बाद बड़ा बयान दिया है। रोहित के मुताबिक शिल्पा को काफी समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मानी। अगर शिल्पा के पिछले रिकॉर्ड की बात करें तो वो पहले भी ऐसा कर चुकी हैं, फिर चाहे वो सीरियल चिड़िया घर हो या कोई और। सीरियल करना और छोड़ना उनकी फितरत में शामिल है। जाने शिल्पा को लेकर और क्या बोले तिवारी। शिल्पा शिंदे और शुभांगी अत्रे वर्तमान अंगूरी का कंपेरिजन नहीं हो सकता। हाँ, अगर लुक की बात करें तो शिल्पा शिंदे बिल्कुल रियल भाभी की तरह लगती थी। शुभांगी का काम भी काफी अच्छा है। जब वो शुरू में आई थी तो उन पर काफी प्रेशर था, हालांकि हम लोगों ने उन्हें जरा भी प्रेशर नहीं लेने दिया। डायरेक्टर और खुद शुभांगी ने मिलकर एक अपने तरीके की अंगूरी तैयार कर ली। शिल्पा शिंदे कैसे शुरू हुआ था विवाद। भाभी जी घर पर हैं की शुरुआत 2 मार्च 2015 को हुई थी। इसी शो के चलते शिल्पा को पॉपुलैरिटी मिली। कुछ महीनों बाद ही शिल्पा का प्रोड्यूसर विनय फर कोहली और टीम के साथ फीस को लेकर विवाद होने लगा। ये भी खबरें आई थी कि दो बार शिल्पा की फीस भी बढ़ाई गई थी, लेकिन वे फिर भी नाराज थी। शिल्पा और चैनलों के साथ शो करना चाहती थी, जबकि उन्हें ऐसा करने से रोका जा रहा था। शो के दौरान रोहित गौड़ और शिल्पा शिंदे किसने की थी शिल्पा की शिकायत। बीच में सीरियल छोड़ने और गैर पेशेवर रवैया अपनाने को लेकर शो के प्रोड्यूसर कोहली ने शिल्पा शिंदे के खिलाफ सिने टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन में शिकायत की थी। शिल्पा ने लगाए थे ये आरोप। एक इंटरव्यू में शिल्पा ने कहा था, मुझे चैनल और प्रोडक्शन हाउस मेंटली परेशान कर रहे हैं। धमकी दी है कि यदि मैंने किसी और चैनल पर काम किया तो वे मेरे करियर को तबाह कर देंगे। मैं मुसीबत के समय उनके साथ रही। सोचा था कि जब मुझे जरूरत होगी तो वे मेरा साथ देंगे। मैंने मेडिकली अनफिट होने की वजह से शो छोड़ने की इच्छा जताई थी। जहां तक फीस बढ़ाने की मांग की बात है तो यह मेरा हक है। शो को एक साल हो गया है, इसलिए फीस रिवाइज होनी चाहिए। शिल्पा शिंदे और रोहित गौड़ प्रोड्यूसर ने दी थी ये सिफाई। बेने फेर ने कहा था, फीस न बढ़ाने, कॉस्ट्यूम डिजाइनर न देने और हैरेसमेंट जैसे सभी आरोप पूरी तरह गलत हैं। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक उनकी फीस दो साल में बढ़ानी थी, लेकिन साल भर में ही दो बार बढ़ा दी गई। उन्हें एक बहुत अच्छा कॉस्ट्यूम डिजाइनर दिया गया, लेकिन उन्होंने उसके साथ कोऑपरेट नहीं किया। इतना ही नहीं, उन्होंने 6-7 कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स को यह कहकर निकाल दिया कि वे उनके काम के हिसाब से परफेक्ट नहीं है। वे शूज, ज्वेलरी और मेकअप के लिए भी पैसे मांगती हैं। हमने उन्हें हर तरह से सपोर्ट किया, बावजूद इसके उन्होंने हम पर कई झूठे आरोप लगाए। उन्होंने चैनल से 20 लाख से ज्यादा रुपए लिए, इस शर्त पर कि वे इसके साथ ही काम करेंगी। जाहिर सी बात है, ऐसे में हम उनका किसी और चैनल से जुड़ना कैसे बर्दाश्त करेंगे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस पर लाइक का बटन जरूर दबाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।